सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ उपस्थित सभी दलों के नेतागण तथा मां की स्मृति में पधारे बंधुगण, आज आप यहां दल और विचारधारा की भिन्नता को छोड़कर मेरी मां को श्रद्धांजलि देने यहां आए, मैं बहुत आभारी हूं। जीवन के भीषण से भीषण संग्राम में भी मेरी मां संयमित थी, अनुशासित थी, मर्यादित थी। सरकारी पक्ष हो या विपक्ष, संसद की तेज तर्रार तकरार के बाद सेंट्रल हॉल के बटर टोस्ट, कॉफी और गपशप पे वो अपने राजनीतिक विरोधियों को मोह कर मित्रों में तब्दील करने वाली मेरी मां थी। व्यक्तिगत रूप से वो बहुत सरल थी और बहुत ही सुलझी हुई शख्सियत थी। मेरे लिए तो वो प्रेम, समझदारी और सीख का भंडार थी। दुनिया में मेरी सबसे अच्छी दोस्त, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। उनकी 42 वर्ष की राजनीतिक तपस्या में आप सभी का कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में योगदान था, उसके लिए मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने व्यक्तिगत तौर पर मेरी मां को इतना आदर और सम्मान दिया, मेरे परिवार की संकट की घड़ी में आप हमारे साथ खड़े रहे, मैं आपकी ऋणी हूं। भारतीय जनता पार्टी की शीतल छाया में मेरी मां ने अपनी राजनीतिक सफर की पूर्ति करी। उनको पहचान देने वाली भारतीय जनता पार्टी की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मंच पे बोलने वाले सभी वक्ताओं ने आज मेरी झोली इतनी अच्छी स्मृतियों से भर दी है कि आने वाला कठिन रास्ता मैं और मेरा परिवार आपकी दी हुई इन्हीं स्मृतियों के सहारे काटने का प्रयास करेगा। कहते हैं कि दुख बांटने से घटता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। आप सभी यहां आज आए और हमारे परिवार का गम बांटा, इसमें मैं अनुराधा पौडवाल जी और उनके सहयोगी कलाकारों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं कि आज उन्होंने अपनी गायकी से ऐसा भक्ति और प्रीति का माहौल बांधा कि इस दुखद घड़ी में भी कुछ क्षण सुकून के हमें नसीब हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पे खड़े होकर के 2 मिनट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि देकर के फिर अपने अपने स्थान पे जाएंगे। अपने अपने स्थान पे खड़े होकर 2 मिनट का